नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए रिव्यू कर रहे हैं सैमसंग का नया गैलेक्सी A6 प्लस स्मार्टफोन जिसकी कीमत है 25,990 रुपये। अब इस प्राइस रेंज में आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन मिलता है। ये स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये एक मेटालिक बिल्ड है, तो अगर ये फ़ोन कहीं आपसे गलती से गिर जाए तो आपको स्क्रैचेज या बम्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोन में मौजूद है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर और 4GB की रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज जिसे आप बढ़ा सकते हैं एक माइक्रो एसडी कार्ड के ज़रिए। इसमें 3500mAh की बैटरी है और एक डुअल कैमरा सेटअप है और एक 24MP का सेल्फी कैमरा है। तो क्या ये सारे स्पेसिफिकेशंस इस स्मार्टफोन को एक अच्छा परचेज डिसीजन बनाते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं हम अपने इस रिव्यू में। सैमसंग गैलेक्सी A6 बाकी सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की तरह एक ट्रू फ्लैगशिप डिज़ाइन के साथ आता है। इस फ़ोन की बॉडी टॉल है और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से राउंडेड डिज़ाइन दिया गया है ताकि आप इस फ़ोन को अच्छे से हाथ में पकड़कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ़ोन को हाथ में पकड़कर यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि इस फ़ोन का डिज़ाइन और इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे की तरफ दो एंटीना लाइंस दी गई हैं जो कि ऊपर और नीचे की साइड मौजूद हैं, जो कि इस फ़ोन को एक यूनिक लुक प्रोवाइड करती हैं। सैमसंग ने अपने सिग्नेचर स्मार्टफोन डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पीछे की तरफ दो लेंसेज दिए हुए हैं, यानी कि एक डुअल कैमरा सेटअप मौजूद है जिसके नीचे है एक छोटा सा फिंगरप्रिंट सेंसर और इस पूरे सेटअप के बगल में दिया गया है एक सिंगल LED फ्लैश। फ्रंट की बात करें तो इसके बेजल्स काफ़ी नैरो हैं, यानी कि काफ़ी पतले हैं और इसके चिन और फोरहेड का साइज ऑलमोस्ट सेम है। इसके फोरहेड में मौजूद है एक ईयरपीस, कुछ सेंसर्स, एक फ्रंट कैमरा और एक सिंगल LED फ्लैश और इसकी चिन में कुछ भी मौजूद नहीं है और वो बिल्कुल क्लीन है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पर दो सेपरेट वॉल्यूम बटन्स मौजूद हैं और दो अलग अलग स्लॉट्स दिए गए हैं। एक स्लॉट है एक नैनो सिम कार्ड के लिए और दूसरा स्लॉट है एक नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए। फ़ोन के निचले हिस्से पर हमें देखने को मिलता है एक माइक्रोफोन, एक माइक्रो USB पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो जैक। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके स्पीकर की प्लेसमेंट राइट साइड पर करी गई है जो कि पावर बटन के ठीक ऊपर मौजूद है। सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इस फ़ोन की। इस फ़ोन को हाथ में उठाना और इसे यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसकी मेटल बैक की वजह से यह फ़ोन काफ़ी स्लिपरी हो जाता है और इसका मतलब ये भी है कि इस फ़ोन पर स्मजेज काफ़ी जल्दी आ जाएंगे, यानी कि आपके उंगलियों के निशान काफी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इसके स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट्स आसानी से नहीं आते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस में मौजूद है 6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2220 पिक्सल्स और इसका एस्पेक्ट रेशियो है 18.5:9 और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 411 पिक्सल पर इंच। जैसा कि आप एक इन्फिनिटी डिस्प्ले से एक्सपेक्ट करेंगे वही केस इस स्क्रीन का भी है। ये स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है, इसके कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हैं और क्योंकि डिस्प्ले के कॉर्नर्स राउंडेड है इसलिए आपको इस फोन पर कंटेंट देखते वक्त कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस फोन के स्क्रीन पर मौजूद है एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिस पर आपको एक क्लॉक देखने को मिलती है और कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। ये फीचर बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन रहता है और अगर आप ऑप्शनल होम बटन पर डबल टैप करेंगे तो आप इस फोन के डिस्प्ले को जगा सकते हैं। इसका साइड फायरिंग स्पीकर काफ़ी क्लियर और लाउड साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जब आप इस फ़ोन को अपने हाथ में पकड़कर कोई वीडियो देख रहे हैं तब आपकी उंगलियों से ये स्पीकर छुप जाएगा जिसकी वजह से वीडियो प्लेबैक के टाइम या फिर गेमिंग के टाइम आपको ऑडियो उतने अच्छे से नहीं सुनाई देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन पर मौजूद है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर और 4GB की रैम और हमने इस फ़ोन पर कुछ हैवी मल्टीटास्किंग करी, काफ़ी सारी ऐप्स को खोलकर देखा, उन्हें एक साथ चलाकर देखा और गूगल क्रोम में जाकर हमने एक साथ 30 से ज़्यादा टैब्स को यूज़ किया और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पेजेस अपने आप रिफ्रेश हो रहे थे लेकिन बीच में एक अजीब सी एनिमेशन हमें देखने को मिली जब हम टैब्स को स्विच कर रहे थे। ऐप स्विचिंग काफ़ी स्मूथ है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और किसी भी तरह का लैग हमें देखने को नहीं मिला। सैमसंग का यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और इस बार काफ़ी इम्प्रूव किया गया है जिससे कि आप इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इस फ़ोन पर कुछ लाइट एक्शन गेम्स जैसे कि एयरफोर्स को प्ले करेंगे तो आपको कोई डिले या स्टटर देखने को नहीं मिलेगा और ये बात एसफॉल्ट 8 के लिए भी लागू की जा सकती है क्योंकि ये एक हैवी रेसिंग गेम है, लेकिन इस फ़ोन पर ये काफ़ी अच्छे से चलता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस की परफॉर्मेंस बेकार तो नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। अगर सैमसंग ने कोई अपने 6 सीरीज़ का प्रोसेसर जैसे कि स्नैपड्रैगन 625 या फिर कोई और 6 सीरीज़ का प्रोसेसर यूज़ किया होता तो इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती।
कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन के पीछे आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप। 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो डेप्थ सेंसर का काम करता है, और आगे की तरफ आपको मिलता है एक 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और एक सिंगल LED फ्लैश आगे और पीछे दोनों तरफ। इन स्पेसिफिकेशंस की मदद से आपको डे लाइट में काफ़ी ब्राइट और कलरफुल फोटोज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलेगी आपको फ़ोटोज़ में। आउटडोर्स में जब आप फोटोज़ क्लिक करेंगे तो वो फोटोज़ काफ़ी क्लियर होंगी, उनमें डिटेल्स बहुत अच्छी होंगी, और इंडोर लाइटिंग की फ़ोटोज़ भी कुछ खास खराब दिखाई नहीं देती हैं। अगर आप लो लाइट सेटिंग्स में फोटोज़ क्लिक करेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि फ़ोटोज़ में काफ़ी ग्रेन्स दिखाई देते हैं और फ़ोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेशन भी है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की साइड पर, जिसकी वजह से लो लाइट में हम कहेंगे कि ये फ़ोन अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाता। सैमसंग की डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप इस बार काफ़ी आसान है यूज़ करने में, और इसका शटर बटन एक मूवेबल स्लाइडर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप व्यू फाइंडर की साइड पर ऊपर या नीचे की तरह स्वाइप करेंगे तो आपको फ्रंट और बैक कैमरा स्विचिंग में मदद मिलेगी, और शटर बटन काफ़ी जल्दी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। इस फ़ोन के कैमरा में आपको 3 स्पेशल इफ़ेक्ट्स मोड मिलते हैं। पहला है लाइव फोकस मोड, जिसकी मदद से आप बोके इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं, और फोटो क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक स्लाइडर मिलता है जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका लाइव फोकस मोड काफ़ी सिचुएशंस में एक्यूरेटली काम करता है, लेकिन कभी कभी इससे अच्छी फ़ोटोज़ निकल कर नहीं आती। दूसरा मोड है स्टिकर्स मोड, जिसकी मदद से आप एनिमेटेड स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ में। और आखिरी मोड है बिक्सबी विजन मोड, जिसकी मदद से आप अगर किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेंगे तो बिक्सबी, जो कि सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट है, वो आपको उस इमेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि अगर आप किसी जगह पर गए हुए हैं और अगर आप उस जगह के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बिक्सबी विजन की मदद से काफ़ी कुछ जान सकते हैं उस जगह की फ़ोटो क्लिक करने के बाद। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस का कैमरा डे टाइम फ़ोटोज़ के लिए और इंडोर फोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन लो लाइट फ़ोटोज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसका लाइव फोकस मोड काफ़ी अच्छी बोके इमेजेस क्लिक कर सकता है। और अंत में बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो इस स्मार्टफोन पर मौजूद है 3500 mAh की बैटरी, जो कि आराम से एक दिन के लिए चल जाती है और एक से ज़्यादा दिन भी चल सकती है अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है तो। और अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि वेब ब्राउजिंग, वीडियो प्लेबैक और मैसेजिंग इस फ़ोन पर करेंगे तो आपको आराम से एक अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन इसका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले फीचर काफ़ी बैटरी खा जाता है, और पूरे दिन में अगर आप इस फ़ोन को छुएंगे भी नहीं तो भी आपको 20% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में चार्जिंग काफ़ी स्लो होती है, और इस फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने में हमें 3 घंटे लग गए। अगर इस फ़ोन के साथ आपको एक फास्ट चार्जर मिलता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस की बिल्ड क्वालिटी, इसका डिस्प्ले और इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप इस फ़ोन को पकड़ेंगे आपको तुरंत पता चलेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इसकी फ़ोन की बिल्ड काफ़ी सॉलिड है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रैचेस के मामले में। और हमें जो बात इस फ़ोन के बारे में अच्छी नहीं लगी वो है सबसे पहले इसका कैमरा। इसका कैमरा डे लाइट फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन लो लाइट फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती हैं, काफ़ी ग्रेन्स होती है उसमें और फ़ोटोज़ काफ़ी पिक्सेलेटेड आती हैं। तो 25,990 रुपये के मामले में हम ये कहेंगे कि आप अगर सैमसंग फ़ैन नहीं हैं तो आप बाकी फ़ोन्स जैसे कि नोकिया 7 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सैमसंग के फ़ोन्स बहुत अच्छे लगते हैं और अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 के बीच का है तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और डिजिट हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।